जब भी हम कोई फिल्म देखते हैं, कोई स्टोरी पढ़ते हैं, तो उसमें एक कहानी होती है, और कभी कभी इंसान की जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं होती। तो आज हम जिस महिला से आपको मिलवाने जा रहे हैं, उनकी जिंदगी भरपूरी नहीं, मैं कहूँगा कि बिल्कुल एक फिल्मी कहानी जैसी है, और शायद कभी अपनी इस जिंदगी की कहानी को वो किसी फिल्मी पर्दे पर भी उतार पाएंगी। मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ, ईरान में पैदा हुई, भारतीय तो उनके अंदर है, नॉर्वे उनकी कर्मभूमि रही, और वापस अब वो भारत आई हैं, पेजवान शोगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैंने आपका नाम सही लिया? कुछ भी आप फिर बता दीजिए। पेजवान शोगी। पेजवान शोगी जी। शोगी जी, मैं कहूंगा कि ईरान से भारत, भारत से नॉर्वे, नॉर्वे से भारत, ये कब शुरू हुआ? कितने साल की उम्र में आप भारत आ गई थी? फिर आपकी शादी भी, जो हमें पता चला, पंजाबी एक परिवार में हुई, और अब आप भारतीय फिल्मों में काम करना चाहती हैं। जी, जैसे आपने कहा, इंसान की जो एक कहानी होती है, तो शायद मेरी माथे पे लिखा हुआ था कि मैं इस धर्म भूमि में आ जाऊं, और कहानी मेरी शुरू होती है 1975। माय फादर वाज इन द आर्मी ईरान में, कर्नल थे, और बाय रिलीजन वी आर बहाईस। 1975 में उन्होंने रिटायरमेंट लिए और हम लोग इंडिया आ गए, भोपाल। सो दैट देयर एम वाज दैट वी सिबलिंग, माय सेल्फ एंड माय ब्रदर्स, दैट वी स्टडी इन अ बोर्डिंग स्कूल। पढ़ाई के लिए आए थे। लेकिन 1975 में जो रेवोल्यूशन शुरू हुई ईरान में, तो हम लोग यहीं पर बस गए, एंड वी बिकेम रिफ्यूजीज। वी वर अंडर द यूएन प्रोटेक्शन। देन वी हैड टू सेल अवर क्लोथ्स, we had to sell everything that we had, क्योंकि UN ने जो हम लोग को पैसा दे रहे थे, फादर को 500 रुपीज़ मिल रहा था, मदर को 250, और हम लोग बच्चों को भी 250, तो उसमें गुजारा कैसे। तो हम लोग पटना चले गए, क्योंकि पटना में हम लोग की एक तो बहाई सेंटर था, जहाँ वहाँ पर हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकते थे। तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई मेरे हस्बैंड से, जो पंजाबी हैं, पटना में सरदार थे, तो लव मैरिज कही है। शादी हुई, दो बच्चे हुए। कौन से ईयर में? 1984। ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किए थे विमेंस कॉलेज। तो जो एक कर्नल का फैमिली, कर्नल की बेटी बेटा, फिर यहाँ इंडिया आए पढ़ाई के लिए, वहाँ ईरान में रेवोल्यूशन हो गया, यहीं रहना पड़ा, एक रेफ्यूजी सेंटर में जिंदगी गुजारनी पड़ी। कितने कमरे थे जो सेंटर में थे, क्या थी जिंदगी? बहुत बुरी दिन देखे। घर तो खैर बहुत बड़ा था, लेकिन कमरों को सजाने के लिए पैसा चाहिए, सोफा चाहिए, यहाँ तक मेरे पैरों पर जूते नहीं थे, तो कोल्हापुरी चप्पल हुए करते थे, और कोल्हापुरी चप्पल को इतना खील ठोके थे कि उस पर जगह ही नहीं था। तो कॉलेज में जब जाती थी तो पैर को किसर किसर के मैं कॉलेज जाती थी, और थोड़ा सा एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हो। कोई फ्रेंड्स नहीं थे मेरे, क्योंकि किसको बुलाते, तो मैं हमेशा एकदम छुपी छुपी सी रहती थी। तो एक आई जस्ट हैड ओनली वन कॉलेज फ्रेंड, दैट्स इट। तो जब मेरे हस्बैंड हमें मिले, तो मैं उस समय 18 साल की थी, तो हम सोचा हो, तो एक नया दरवाज़ा खुला। परिवार की मर्जी से शादी हुई थी? ऑफ कोर्स हमारे रिलीजन में यह है कि जब तक लड़का लड़की और पेरेंट्स हाँ नहीं कहते, तो शादी नहीं हो सकता। कोई फोर्स ये इंडिया में आप लव मैरिज कह सकते हो, तो इन माई कस्टम, माई रिलीजन, इट इज एनी यूथ कैन डिसाइड हुम दे वॉन्ट टू गेट मैरिड टू, बट विद द कंसर्न ऑफ द पेरेंट्स ऑफ कोर्स। एंड माई हस्बैंड वेरी हैंडसम, सनी डेओल जैसे दिखते थे, वेरी चार्मिंग, तो मेरी मदर की दिल जीत लिए थे। तो शादी हो गई, एंड ही वॉज नॉट वेरी रिच ईदर, उनका एक तो आरा मशीन था। तो वी स्टार्टेड विद अ वेरी लो इनकम, कही है कि मेरे पास मैचिंग चुन्नी नहीं हुई करती थी, फटे हुए कपड़े सिलते थे, लेकिन एक तो सपना था। एंड माई हस्बैंड बींग पंजाबी, और पंजाबी तो आप जानते हैं, उनको जो यह हो जाता है कि करना है तो करके दिखाना है, तो शेर दिल थे।
तो उन्होंने फ्रॉम वन स्मॉल सॉमिल ही बिकेम अ वेरी फेमस बिल्डर इन पटना, जमीन खरीदे. बट अनफॉर्चुनेटली धीरे 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 जितना पैसा आ गया लाइफ में, तो हम लोगों की थोड़ा सा दरार बढ़ता गया हस्बैंड और वाइफ के बीच में. उनको एक ही वॉन्टेड अ हाउस वाइफ, जो आई एक्सेप्टेड. हमें अच्छा लगता है, बाय नेचर आई एम घर की मुर्गी हूँ. तो बट टू मच ऑफ मनी ऑल्सो कैन स्पॉयल एवरीथिंग. तो वो हो गया टू मच ऑफ क्लबिंग, जो मैं अगेंस्ट थी. देन आई डिड समथिंग, समथिंग स्टूपिड व्हिच आई शुडन्ट हैव डन. आई एम नॉट गोइंग टू से इट ऑन कैमरा. बट जब मैं हॉस्पिटल से वापस आई, तो हमने सोचा कि नहीं, लाइफ इज टू शॉर्ट टू एंड इट दिस वे. तो वी डिसाइडेड टू लिव सेपरेटली. आपके बच्चे हो चुके? I had two. I have a daughter and a son. My daughter was 8 years old. My 10. My son was 5. So उन्होंने मेरे से signature ले लिए कि बच्चों को हमको मिलेगा, लेकिन उनके property से मेरे को कुछ नहीं लेना है. He took on a piece of paper. और हमने शौक शौक से दे दिया. अब शादी के बाद मैंने अपना यूएन जो रिफ्यूजी स्टेटस है वो तो मैंने गवा दिए थे. क्योंकि मेरी शादी हो गई थी और हम सोच रहे थे कि अब इंडियन बन गए. लेकिन ऐसा कोई बात ही नहीं हुई. मतलब फिर से मुश्किलें शुरू. फिर से मुश्किलें शुरू हुई. अब वो शैन और शाकत लाइफ को अगेन आई हैड टू लीव. वी हैड ड्राइवर्स, वी हैड सर्वेंट्स. तो बच्चों का हाथ पकड़ के मैं पंचगिनी चली गई महाराष्ट्र में. वहाँ पर वी हैव अ स्कूल और डोमेट्री की, जो लड़कियों के डोमेट्री के नीचे एक तो गोदान वाला जैसे रूम था, वो हमारे लिए बना दिए थे रूम. और जो बाथरूम के जो पाइप्स थे वो हमारे रूम से जाते थे. जो लड़की लोग बाथरूम यूज करते थे, तो हम लोग, मैं और मेरे बच्चे दोनों तीनों भाग जाते थे बाहर बिकॉज ऑफ द स्मेल. देन आई अप्लाइड अगेन फॉर रिफ्यूजी स्टेटस. अब ये तो बड़ी कठिन काम, क्योंकि जब मेरे बच्चे इंडियन हैं, मैं खुद इतने साल इंडियन में, तो मेरी लाइफ को तो खतरा तो है नहीं यहाँ पर. तो यूएन ऑफिशियल ने कहा कि आपको पटना के एसपी से एक तो चिट्ठी लाना है कि यू डो नॉट हैव एनी लीगल स्टेटस इन इंडिया, विच आई डिड नॉट हैव, क्योंकि मेरी शादी तो टूट गई थी. तो हम सीधे सीधे जा करके एसपी साहब को बोल दिया, ऐसे ये मेरी सिचुएशन है. तो उन्होंने कहा कि ये लिख लो, जो लिखना है उनको, मेरे सेक्रेटरी है उनको लिख लो. अभी भी है मेरे पास वो लेटर. वो लेकर के मैं यूएन चली गई. तो आप सोचिए, मेरे को थोड़ा सा कि माई चिल्ड्रन दे आर इंडियन, फादर इज इंडियन, सो दे गॉट द स्टेटस ऑफ ए रिफ्यूजी. अच्छा भी है बुरा भी है, और बातें चलती रहेंगी. तो Again, I became refugee with my children. आपको स्टेटस मिल गया? मेरे को स्टेटस मिल गया. Okay. कौन से सन की बात है? 1999 ने मेरे, हमने हस्बैंड को छोड़ दिया. डिवोर्स हम लोगों ने नहीं लिया लीगली. हम लोगों ने कोर्ट, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं थी उनसे लड़ने की. जो भी था इट वॉज वर्बल. मेरे को सिर्फ बच्चे चाहिए था, पैसा नहीं. तो व्हेन आई बिकेम ए रिफ्यूजी अगेन, तब यूएन का काम होता है, जो रिफ्यूजीज होते हैं उनके, दे स्टार्ट लुकिंग फॉर अ थर्ड कंट्री. इंडिया वाज माय फर्स्ट कंट्री, देन इट वुड हैव बीन माय सेकंड कंट्री. आई गॉट अ कॉल कि यूएस एम्बेसी ने मेरे को इनवाइट किया था इंटरव्यू के लिए. यूएन में जाके प्रोसीजर होता है कि आप अपनी फाइल लगाते हैं, और फिर यूएन वाले डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को वो फाइल भेजते हैं कि ये रिफ्यूजी हैं. इस तरह से होता है? जी जी. उस समय बिकॉज़ अगेन बिकॉज़ ऑफ माय रिलीजन बीइंग अ बहाई, सो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सर्टेन कंट्रीज दे वर एक्सेप्टिंग. तो मैं उस लिस्ट में आ गई थी. यूएस एम्बेसी में चले गए. वहां पर उन्होंने मेरे से 3 सवाल पूछे, कब आई, क्यों आई और क्यों जाना चाहती. यूएसए बात नहीं बनी? यूएसए वाले बात नहीं बनी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा फिल्मी डायलॉग उसमें मारे.
क्या हम सोचे क्या ये लोग जब मैं रोऊंगी नहीं, धोऊंगी नहीं, नहीं बोलूंगी कि हाय 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 रब्बा मेरे साथ की होया, तो वो लोगों ने मानेंगे नहीं. बट इट वॉज जस्ट ऑपोजिट, क्योंकि पहले आई वॉज एक्सेप्टेड. जब मैंने थोड़ा सा नौटंकी किया तो उन्होंने पेन लेकर के मेरे सामने ऐसे क्रॉस कर दिया कि भागो. बट नेक्स्ट वीक आई जस्ट गॉट अगेन अनदर कॉल दैट नॉर्वे हैज एक्सेप्टेड मी एंड माय चिल्ड्रन विदाउट इवन एन इंटरव्यू एंड दे हैड गिवन अस अ डेट दैट यू आर फ्लाइंग ऑन दिस टू नॉर्वे. यानी कि सीधा आपको नॉर्वे से कॉल आ गया कि आपको एक्सेप्ट कर लिया है कि आप नॉर्वे चले जाइए. हाँ जी. और आपने मंजूर कर लिया. अरे मैनू की पता था कि नॉर्वे के थे यार. उस समय तो मोबाइल भी नहीं होंदी सी. सो असी लोग गए ये के कहने इंटरनेट कफे होता था उस समय तो वहाँ पर जाकर के गूगल कर दिए कि कितने जा रहे हैं. तो आया नॉर्वे. तब देखिए बड़ी सुंदर देश है. तो विद इन अ वीक्स टाइम हम लोग नॉर्वे चले गए. अब नॉर्वे चले गए, वहाँ ना भाषा जानते हैं, ना कल्चर जानते हैं, ना किसी को जानते हैं. नॉर्वे कौन सी जगह पे? ट्रॉनहेम. ट्रॉनहेम चले गए तो बस फिर मुश्किलें वहीं से शुरू हो गई. एक और लाइफ का एक और दौर शुरू. एक और कहते हैं ना, एक पता नहीं मैं किस पैर की जड़ है मुझ में. मैं हमेशा अपने आप को एक तो लाइक ए ट्री दैट हैज गॉट रूट्स. आई ऑलवेज से दैट यू नो we humans we have to be like trees that have got roots, because a tree that has roots will give you fruits. Pata nahi main kis tree hu, kyunki ab ek bar tree ko jar se ukhaad do to wo dobara uska jarna is very difficult to be rooted again. Then I had to study, learn the language, Norwegian language, because as you know Norway 80-90% of the population they work for the government. वहाँ पर private job बहुत कम है. तो आप government job के लिए आपको भाषा होना बहुत जरूरी है. Norwegian language and education also. So दिन में मैं bathroom धोती थी, झाड़ू देती थी, शाम को university जाती थी. तो यह हुआ धीरे धीरे. And I left India with only $100 in my pocket. 2001. और आज के दिन टचवुड आई हैव 3 हाउसेस बैक इन नॉर्वे. आई एम अ लेक्चरर, आई एम अ ले जज, आई हैव रिटन अ बुक, बट आई हैव टेकन अर्ली रिटायरमेंट. आपने 2 मूवीज में वहाँ काम किया. मूवी में भी मैंने काम की है. एक नेटफ्लिक्स में आने वाली है, द मिलियनर आइलैंड. शॉर्ट मूवी. No, it's a series. Netflix series. तो यानी कि नॉर्वे जाने के बाद आपकी किस्मत ने फिर से पलटा खाया. आपने मेहनत की, स्ट्रगल किया. नॉर्वे में आप लेक्चरर बनी, आप कम्युनिटी जज बनी. ले जज. क्या होता है ले जज? नॉर्वे का जुडिशियल सिस्टम ऐसा है कि फ्रॉम द पब्लिक दे नॉमिनेट, इज द काउंसिल दैट नॉमिनेट्स 2 lay judges that sits with a professional judge in the court, and you have exactly the same power as a judge has. And I am honored to be the only foreigner in my county. Aapki county se aap jo aa rahe the? I'm right here, and it is they are nominated for 4 years, and it is my now 4th year. That means 16 years. I am sitting on a bench. I'm putting people behind bars. तो शोगी जी, जिस तरह से लाइफ का आपका हमने देखा, आपने वहाँ नेटफ्लिक्स की सीरीज है उसमें काम किया जो अभी आ रही हैं. एक और मधुबनी शायद आप बिहार आप बता रही थी. जी हाँ. और कोई आपने कहा मधुबनी जब हम लोग बिहार में थे तो मेरी डॉटर जो है बास्केटबॉल खेलती थी, तो मैंने थोड़ा सा कमेंट्री की भी किए हैं. एशियन गेम्स जब हुआ था तो किसी ने अप्रोच किया कि दे आर डूइंग अ डॉक्यूमेंट्री मूवी ऑन मधुबनी आर्टिसंस. उसमें मैंने एक्टिंग किए हैं. देन आई हैव वर्क्ड फॉर द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन विद यूनिसेफ अगेन पटना में जब थे. थोड़ा सा है मुझ में है. जब हम स्कूल में पढ़ते थे आई ऑलवेज हैड शॉर्ट हेयर, और मेरी हाइट थोड़ा सा एवरेज से आई एम टॉल. तो थिएटर में मेरे को शौक था बहुत. तो जो भी रोल्स मिलते थे सब लड़कों का मेल पार्ट्स मेरे को ही मिलता था. किंग दुष्यंत हम बने.
ओथेलो का रोल हुआ, जितने शेक्सपियर का प्ले था, आई वाज ऑलवेज गेटिंग द मेल रोल्स. सो यस. तो अब फाइनली अब आप फिर से बॉलीवुड हो, पंजाबी मूवीज हो, उसमें काम करना चाहती हैं. सो पंजाबी आपको आती है थोड़ी थोड़ी, मुझे आप बता रही थी, आप बोल बोल भी लेते हैं क्योंकि पंजाबी से शादी हुई थी आपकी. हाँ जी, मैंने गालियाँ बोल आंदी है. तो चलो क्या आंदी है. नहीं, थोड़ी थोड़ी आंदी है. अच्छा, तो आपने अभी बॉम्बे गई थी, आपने कोई ऑडिशन दिया? बॉम्बे में आई वॉज वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू मीट, आई डिड नॉट मीट हिम पर्सनली, बट मुकेश चोपड़ा जो बॉलीवुड डायरेक्टर हैं, आई मेट हिज टीम एंड दे आर जेम ऑफ team, I must say, because you know when you think about Bollywood, you have always this negative notion ki aisa hote hain, waisa hote hain, exploit karte hain. But I just messaged Mr. Chopra and I said, and he said, you're most welcome to come to my office. And I felt, oh, humko role mil gaya. And I met his team, beautiful, young, energetic, very professional team. I met two directors, Chopra ji I met, and Vibhu Keshav. He is also a gem of a director and actor. Very humble. तो पंजाबी में कहीं अभी आप धीरे धीरे अभी है कुछ? धीरे धीरे अभी, let's see where my stars take me. And I'll tell you why I am coming into. I believe in destiny. I met Manjula, my friend, who's introduced me to. And when we are together, people come, laymen, they come and ask me if I am in the movies, if I am an actor, if I am a celebrity. I told Manjula, mainu Punjabi filmon mein jaana hai. Because if I am giving that vibe, that means ki mera rasta ab ye hai. To main vibe ke hisab se chal rahi hoon, dekhiye kya hota hai. Achha, waise kisi mahila se uski umar nahi poochte. Kya main aapki umar pooch sakta? I'll tell you my eldest granddaughter. क्या नानी भी? मैं नानी हूँ, 18 साल की है. तो आप मेरा उम्र गेस कीजिए. My daughter will be 40 this October. My son is 35 and I am 60. आप 60 साल की हैं? 60 साल की हूँ. तो आप अपने लिए किस तरह का रोल देखती हैं? या आपको लगता है कि पंजाबी हो या हिंदी मूवीज में आप किस तरह के अपने लिए रोल देखते हैं? क्योंकि जो आपने नॉर्वे में की है, वहाँ पे किस तरह का रोल था नेटफ्लिक्स की जो सीरीज आ रही है? वेल, आई डिड टू रोल्स. वन इज फॉर दिस मिलियनर आइलैंड एंड द अदर वन इज कॉल्ड दिसंबर. इन दिसंबर आई एम एज अ नर्स इन अ नर्सिंग होम एंड फॉर दिस मिलियनर आइलैंड आई एम अ गेस्ट सिटिंग. वी आर सिटिंग इन अ गेस्ट अपीयरेंस. आई एम सिटिंग इन अ बार विद अ फ्यू फ्रेंड्स एंड वी आर टॉकिंग एंड डिस्कसिंग. दैट्स इट. बट अबाउट कितना बड़ा रोल है इन दोनों में आपका? December one is quite, I am in 3-4 scenes, but not in the millionaire. In that millionaire island, I'm just in 1 or 2 scenes. Roles that fit my personality. I am a very emotional person, and I can cry. And I would like a role that has got meaning. It's not that, you know, because now I want to come film karna hai, to jo bhi mile to ha kar denge. It has to be meaning and it has to have substance. उसमें meat हो, क्या हाँ देख करके बोले वाह क्या कमाल की. जो ससुराल है, क्या बीबी वो आपके टच में है या? Oh yes. My in-laws, half of them are in England. अभी शादी हुआ था last year, so I go. I am in touch with still my mother-in-law. I go and visit them. मेरी husband के साथ नहीं बनी, and he was also, you know, a gem of a human being. He is no more. He passed away in 2004. But I am still in touch with my in-laws. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शोकी जी आपसे बात करने का, और उम्मीद करते हैं जल्दी आप किसी मूवी में दिखाएं. It was a pleasure. It was indeed a pleasure. Thank you. तो ये थी कहानी, और देखिए किस तरह से कनेक्शन बना. ईरान में पैदा हुई, पंजाबी से शादी हुई, नॉर्वे में कर्म भूमि मूवीज की, वहाँ पे एक कम्युनिटी जज बनी, लेक्चरर बनी, वापस अब पंजाब में आई हैं. और इसे कहते हैं कहानी स्ट्रगल लाइफ का, कि कुछ करना है तो जज्बा है, और वाकई समय का कुछ नहीं पता कहाँ पे कब किसको खड़ा कर दे. वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़.